कैसे हैं आप लोग? अल्लाह आपको जिंदगी दे, खुशियां दे। आप देख रहे हैं विलीज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी चिकन ब्रेड की। चिकन ब्रेड बेकरी से भी अच्छा आप घर में बना सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चिकन ब्रेड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाया जाता है, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ये हमारे लिए जो है आज़ाद की बात होती है कि आप लोग जो है हमें अप्रिशिएट करते हैं, हम कैसा काम कर रहे हैं। बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा तकरीबन 2 चम्मच पानी लेंगे। इसमें ये ईस्ट है, इसे खमीर भी कहते हैं। ये लेंगे हम, ये छोटे वाला 1 चम्मच लेना है। अगर आप बड़ा लें तो वो आप आधा चम्मच लेंगे। 1 चम्मच चीनी, यही वाला 1 चम्मच मिक्स करके अच्छे से मिक्स हो गया, इसको हम साइड पे कर देंगे। ये हमने मैदा लिया है, ये वाले 2 कप, और इसमें हम 2 चम्मच दही के डालेंगे। ये 1 अदद हम इसमें अंडा डालेंगे। आधा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। पर इसे गूंद लेंगे हम। पहले ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यही वाले 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे, आप दूध भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आटा रोटी की तरह गूंदना है, कोई ज़्यादा नरम और सख्त नहीं करना। इसी में हम ये वाला जो खमीर और चीनी डाला था वो डाल लेंगे। ये आटे को तकरीबन हमने 5 मिनट तक गूंद लिया है। अब कोई भी इस तरह का बॉल ले लेना है, उसको अंदर ऑयल लगा लेना है। इस तरीके से, और इसको पकड़ के ऊपर रख के इसके ऊपर भी ऑयल लगा देना है, ताकि ऊपर सिकरी ना आए। और इसको इस तरीके से बंद करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए इस तरह फ्राई पैन ले लें या छोटी कढ़ाई ले लें। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, तकरीबन 2 चम्मच। थोड़ी सी प्याज बारीक काट लेनी है। ज़्यादा ऑयल डालने से बाद में मसला होगा फिलिंग करने में, इसलिए ज़्यादा ऑयल नहीं डालना और ना ही प्याज को हमने ब्राउन करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है इसे। प्याज हो चुकी है जितने हमने करना था। ये काली मिर्च, नमक, सुर्ख मिर्च, गरम मसाला, ये चीज़ें हसबे जायका डालनी है। इसको हल्का सा भून के हम इसमें
ये शिमला मिर्च है, आप चाहे तो डाल लें चाहे तो ना डालें। इसमें से हम थोड़ी सी दही या दूध शामिल करेंगे ताकि मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से भून जाए। आप चाहे तो इसकी फिलिंग में कीमा भी बना के डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें टिक्का बोटी डाल सकते हैं। इसको तकरीबन हमने एक मिनट तक भुना है। अब हम इसमें ये चिकन मैंने रेशे रेशे कर लिया था बॉयल करके, एक मिनट तक तकरीबन हमने इसे भुनना है। अब बची हुई दही जो है वो हम थोड़ी सी और डाल लेंगे ताकि ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये तकरीबन 2-3 मिनट तक हमने इसको पकाया है, ये अच्छे से रेडी हो गया है। अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखें ये स्टफिंग रेडी है, अब हम इसे उतार लेंगे। अब स्टफिंग को हम ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद फिर अगला काम हम शुरू करते हैं। डो को माशाल्लाह तकरीबन घंटा हो चुका है और देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी फूली है और कितनी प्यारी तैयार हुई है। इसको हम कुछ भी करने से पहले हम ये देखें ओवन के बगैर बना रहे हैं हम चिकन ब्रेड। तो इस तरह का कोई बर्तन ले लेंगे, आप प्रेशर कुकर ले लें, कोई बड़ा पतीला ले लें, और इसके अंदर अगर आपके पास वो स्टैंड नहीं है लोहे का तो आप इस तरह से कोई कटोरी रखें और इसको हीट होने के लिए ऊपर से ढक देंगे। अब हम दूसरा काम कर लेते हैं तब तक ये हीट हो जाए। बड़ी सी परात ले ली है, आपके पास बड़ा सारा बेलना वो चकला हो बेलना हो तो वो ले लें आप। अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये हल्का सा मैदा लगा लेंगे हम इसको, थोड़ा सा इसे करके यहाँ मैदा डस्ट करेंगे। अब हम पेड़े की तरह बना लेंगे। अब हम इसको लंबाई के रुख पे इसकी रोटी बनाएंगे। अब इसको इस तरीके से हम लंबाई के रुख पे बेल लेंगे, इस तरीके से। अब इसके अंदर ये स्टफिंग भरेंगे हम, ये इस तरीके से। अब इसके ऊपर चीज लगाएंगे, अब इस तरीके से कट लगा लेना इसके इधर ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े वक्फे से। इस तरीके से एक को नीचे एक को ऊपर इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे, इस तरीके से। इसको बहुत ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ये खुद ही जुड़ जाएंगे। एक अदद अंडा लेंगे, उसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। आप अकेली जर्दी भी लगा सकते हैं,
और पूरा अंडा भी जैसे अच्छी तरह मिक्स करके अब हम इसको ब्रश की मदद से लगा सकते हैं और इस तरीके से भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास ब्रश नहीं है तो हम इस तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। अंडे को अच्छी से लगाने के बाद इसके ऊपर तेल अगर आपके पास हो तो, इससे जरा प्रोफेशनल सी लुक आ जाती है। अब हम इस तरीके से कोई भी प्लेट ले लेंगे, इसको आहिस्ता से उठा के इसके ऊपर रखेंगे और जो हमने कढ़ाई रखी थी ऊपर हीट होने के लिए इसके अंदर रख देंगे और ऊपर से ढक देंगे। अब हम पहले तकरीबन मीडियम आंच रखेंगे 5 मिनट तक, उसके बाद हम बिल्कुल जैसे दम पे रखते हैं बिल्कुल हल्का कर देंगे। इसके ऊपर हम वजन रख देंगे ताकि अच्छी तरह दम आए इसे। चिकन ब्रेड को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, अब हम उतार लेते हैं, देखते हैं। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी ब्रेड पक चुकी है, अब हम नीचे उतारेंगे। अगर ये ओवन में होती तो 20 मिनट में बन जानी थी, लेकिन क्योंकि इस तरह फिर हमें बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है, हम इसे एहतियात से निकालेंगे क्योंकि ये हमारी कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा गर्म है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, और रात भी काफ़ी हो चुकी है, मेरी बेटी ने फरमाइश लेट की थी तो उसकी फरमाइश को पूरा करने के लिए जो है ना, अब हम इसके ऊपर हल्का सा मक्खन लगा देंगे। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, डालडा या देसी घी भी लगा सकते हैं इस तरीके से। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह देखें ओवन से भी ज़्यादा प्यारी लुक आई है, और ये देखें सॉफ्ट भी है बिल्कुल। मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें चिकन ब्रेड माशाल्लाह बेकरी से भी ज़्यादा अच्छी बनी है। इसकी खुशबू वो तो मैं आपको बता नहीं सकती, लुक देखें माशाल्लाह। और अगर आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विली जहांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।